अविनाशी काशी यानी वाराणसी में पग पग पर तीर्थ है। देश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में सभ्यता की शुरुआत के साथ ही हिंदू धर्म का विकास एवं विस्तार हुआ। यही कारण है कि हिंदू आस्थावानों के लिए काशी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण दुनिया का ये प्राचीनतम शहर विभिन्न धर्मों, मतों और संप्रदायों के साधकों, श्रद्धालुओं और भक्तों को सदैव आकर्षित करता रहा है। भगवान भोलेनाथ की प्रिय पुरी काशी में हजारों की संख्या में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं और कुछ मंदिरों के बारे में अपेक्षाकृत लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है वाराणसी के दक्षिण क्षेत्र संकुलधारा इलाके में, जो द्वारकाधीश मंदिर के नाम से जाना जाता है। संकुलधारा तालाब पर स्थित इस मंदिर को द्वारकापुरी के रूप में मान्यता प्राप्त है। काशी के सप्तपुरी और चार धाम यात्रा में द्वारकाधीश मंदिर का विशेष महत्व है। इस स्थान पर भगवान द्वारकाधीश के स्वयंभू प्रकट होने का उल्लेख काशी खंडोक्त ग्रंथ में मिलता है। काशी में ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार काशी के चार धामों में यह प्रधान तीर्थ अति प्राचीन तीर्थ श्री द्वारकाधीश मंदिर शंकुधारा, जिसका अन्यान्य कई ग्रंथों में काफ़ी महत्वपूर्ण वर्णन प्राप्त है। यह भगवान श्री कृष्णचंद जी के गुरु गर्गाचार्य जी महाराज द्वारा रचित गर्ग संहिता में भी काफ़ी कुछ उल्लेख इस तीर्थ के बारे में प्राप्त होता है कि यह द्वारकापुरी है और ठीक इसके बगल में सुदामापुरी नामक अति प्राचीन मोहल्ला है। उस ग्रंथ में देखने के बाद यह प्रमाणित होता है कि यह तीर्थ अनादिकाल से काशी के आनंद वन में स्थित है और यह स्वयंभू भगवान द्वारकाधीश यहाँ विराजमान हैं, प्रतिष्ठित हैं। हमको लगता है कि यह शास्त्रों की चर्चा के अनुसार भगवान भोलेनाथ के मानसिक आवाहन पर माँ पार्वती के दर्शनार्थ प्रभु पधारे हैं और तब से काशी में अवस्थित हैं। और इसी के उपलक्ष्य में एक शंकु नामक दैत्य के समापन के बाद यहाँ कष्टहरी पर्व काश्याम शंकुधारा तीर्थे स्नानम दानम श्राद्ध च करके तीर्थ मनाया जाता है यहाँ। और उस तीर्थ के बाद यहाँ अनेकों उत्सव होते रहते हैं, जैसे ललही छठ है, देव दीपावली है। कहा जाता है कि वाराणसी का द्वारकाधीश मंदिर द्वापर युग की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आया। भगवान श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य ने अपने ग्रंथ गर्ग संहिता में भी इस मंदिर का उल्लेख किया है। स्वामी रामानंदचार्य ने 15वीं सदी में अपने शिष्यों को सांख्य एवं योग दर्शन की शिक्षा इसी मंदिर परिसर में दी थी। यहां आज भी रामानंद संस्कृत विद्यालय का संचालन होता है। यहां 15वीं शताब्दी के तेज संत स्वामी रामानंद जी भी अपने जीवन काल में यहां रह करके विद्यार्थियों को सांख्य और योग की शिक्षा दिया करते थे। तब से यह बैरागी संतों का एक प्रधान अखाड़ा था काशी में, और यहाँ उनके नाम पर एक पाठशाला भी है, संस्कृत विद्यालय भी है। आज भी यहाँ
कर्मकांड, ज्योतिष, वेद और पुराण की शिक्षा दी जाती है। अनवरत अन्य क्षेत्र यहाँ चलता है। आज भी संस्कृत के बालकों के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था है और पठन पाठन का सब कार्यक्रम चलता रहता है। इस तरह से काशी का गौरवमयी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला प्राचीन श्री द्वारिकाधीश मंदिर अपने आप में स्वामी रामानंदाचार्य के संदेशों का जन जन तक पहुंचाने वाला यह द्वारिकाधीश मंदिर आज भी निरंतर देश और राष्ट्र के हित में संलग्न है। संकुलधारा तालाब के पास विराजमान द्वारिकाधीश की मूर्ति हजारों वर्ष पुरानी है। वर्तमान मंदिर की बनावट 20वीं सदी की प्रतीत होती है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि 12वीं सदी में यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर था। मंदिर की प्राचीनता का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार कराया गया है। मंदिर के बाहर पीपल वृक्ष के पास संरक्षित विष्णु की मूर्तियों से ये तथ्य प्रमाणित होता है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण 11वीं सदी में कालचुरी शासन काल में किया गया था। शंकुधारा या शंकुधारा जो खोजवा बाजार में भेलूपुर थाने के पास पड़ता है, वर्तमान में तो मंदिर का पूरा परिसर 20वीं शताब्दी का है, लेकिन मूलतः जिस पीठिका पर बना है इतना ऊंचा मंदिर, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 12वीं शती ईस्वी में इस स्थान पर गढ़वाल काल का विष्णु का एक बड़ा मंदिर रहा होगा। अब द्वारिकाधीश मंदिर में जो एक बहुत ही विलक्षण विष्णु की मूर्ति है, यद्यपि चार हाथ चतुर्भुज रहे हैं ये, लेकिन वर्तमान में चारों हाथ खंडित हैं, फिर भी एक हाथ में चक्र का अवशिष्ट भाग देखा जा सकता है। अलंकृत मुकुट, अलंकृत हार, वनमाला और आभूषण इतने बारीक तरीके से बनाए गए हैं मानो वो हाथी दांत में बनाया गया हो। काले पत्थर की यह मूर्ति लगभग 4 फीट की है और काशी में मिली प्राचीन विष्णु की मूर्तियों में श्रेष्ठतम है कला की दृष्टि से, मेरी दृष्टि में। और जो विशेष बात है कि इस मूर्ति के पैरों के नीचे नाग और नागी, क्योंकि नाग से संबंध शेषनाग से विष्णु का रहा है, नाग नागी का अंकन हुआ है, और उनके दोनों ओर मकर वाहिनी गंगा और कूर्म वाहिनी यमुना की छोटी आकृतियां बनी हैं, वो भी जल से संबंधित हैं, और एक लगभग मुझे लगता है कि 6 इंच की एक और पुरुष आकृति जो कहीं ना कहीं राज परिवार से राजा की लगती है, और दूसरी ओर स्त्री आकृति जो उस राजा की महिषी लगती है, उसकी आकृति नमस्कार मुद्रा में दिखाई गई है, जो मुझे लगता है कि उस मूर्ति का निर्माण कराने वाले शासक की मूर्ति थी, और यह मूर्ति शैली की दृष्टि से कलचुरी काल की है, क्योंकि काशी में सभी राजवंशों ने जो यहाँ आए, गढ़वालों का तो काल था, वहाँ उनका आधिपत्य था, लेकिन सब ने कंट्रीब्यूट किया, तो कलचुरी शासक स्वयं अपने आप को उपस्थित करता है विष्णु के उपासक के लिए। वाराणसी के द्वारिकाधीश मंदिर परिसर में शालिग्राम, राम जानकी और भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ध्यान मुद्रा में स्वामी रामानंद की भव्य मूर्ति श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। यहीं पर स्थापित दक्षिणेश्वर हनुमान की प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना तांत्रिक विधि से की गई थी। द्वारिकाधीश परिसर में अनेकों मूर्तियां हैं, जैसे हम भगवान का विग्रह है हनुमान जी का, दक्षिणेश्वर हनुमान जी हैं, जो कि तांत्रोक्त विधि से भगवान का स्थापना किया गया है, जिससे दर्शन करने से दैहिक, दैविक, भौतिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। और हमारे बगल में भगवान सूर्य नारायण का भी मंदिर है, जो पाषाण काल का ये मूर्ति है, और अलौकिक मूर्तियाँ हैं जो कि एकदम दिव्य दिखता है भगवान सूर्य का। हमारे पीछे गरुण जी हैं जो भगवान द्वारिकाधीश का सवारी कहा जा सकता है,
और हनुमान जी का जो हमारे तांत्रिक विधि से जो किया गया है, हनुमान जी वास्तव में हम लोगों के बल बुद्धि के दायक हैं और इनका दर्शन करने से सारे संताप मिट जाते हैं। द्वारिकाधीश मंदिर का चतुर्विंशति केशव पट अद्वितीय है। भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों के अंकन से युक्त केशव पट मूर्तियों की प्राचीनता का प्रमाण है। चतुर्विंशति केशव पट को 18वीं सदी का माना जाता है। विष्णु के 24 स्वरूपों को चार चार की संख्या में 6 पंक्तियों में उकेरा गया है। चतुर्विंशति केशव पट है, अद्भुत है। चार चार की संख्या में क्रमशः 6 पंक्तियों में 24 आकृतियां बनी हैं और ये सब विष्णु की ही आकृतियां हैं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, यही चार आयुध हैं। उनके क्रम में बराबर परिवर्तन करके उनके अलग अलग नाम भी उसमें नीचे आकृतियों के नीचे लिखे हुए हैं, 24 आकृतियों के। जैसे केशव है, विष्णु है, नृसिंह है, वामन है, ऋषिकेश है, पूरे 24 नाम। और इस केशव पट का काशी में यह भी अकेला है, ये 18वीं शती ईस्वी का है, यानी बाद में बना, यानी मंदिर बना उसके बाद किसी समय स्थापित किया गया। और इसके निर्माण में 15वीं शती का एक ग्रंथ है रूपमंडन, सूत्रधार मंडन का, उसमें चतुर्विंशति केशव पट्ट का उल्लेख आया है, 24 केशवों यानी विष्णु के अलग अलग नामों का उल्लेख आया है। वो नाम तदनुरूप इसमें लिखे गए हैं उन आकृतियों के नीचे। तो चतुर्विंशति केशव पट्ट इस द्वारिकाधीश मंदिर का वर्तमान में विष्णु की जो चतुर्भुज मूर्ति है उसके साथ ही एक विशिष्ट उदाहरण है, कला की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। वाराणसी के द्वारिकाधीश मंदिर में वर्ष में एक बार कष्टहरी पर्व का आयोजन किया जाता है। भगवान भास्कर के कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही कष्टहरिया मेले का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन पूजन के लिए लोग आते हैं। मेले के दिन कटहल का कोवा का प्रसाद भक्तों को दिया जाता है, इसलिए आम बोलचाल में इसे कटहरिया मेला भी कहा जाता है। खुजवा स्थित एक बहुत प्राचीन मंदिर संकुल धादा है और कुंड भी है संकुल धादा का। मान्यता ये है कि कष्टहरिया मेला जैसे कई आयोजन यहाँ पे होता रहता है। सूर्य जब कर्क राशि में जाता है तब यहाँ एक मेला लगता है कष्टहरिया का, और जिसमें मान्यता है कि कुंड में नहाना पड़ता है, उससे जितने लोगों का कष्ट होता है दूर हो जाता है। और यहाँ पे एक संकुल धारा का मंदिर है, भगवान द्वारिकाधीश का मंदिर है, पुराणों में इसका वर्णन है, कई 100 साल पुराना ये मंदिर स्थित है। हमारे महंत जी द्वारा इस मंदिर को और भव्यता दी जा रही है, समय समय पे ये उसका बहुत ध्यान रखते हैं और कई जगह से लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग यहाँ पर भगवान का दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत अच्छा व्यवस्था है, महंत जी द्वारा, नगर निगम के द्वारा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। यहाँ जो लोग भी बाहर से आते हैं, अभी प्रखर महाराज जी का कथा भी हुआ था पिछले साल, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो इस मंदिर का बहुत अच्छा, मतलब जितनी व्याख्या की जाए कम है। हम चाहते हैं कि सब लोग, आप लोग भी आइए, दर्शन करिए भगवान का। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो श्रद्धालु गुजरात स्थित द्वारिकापुरी नहीं जा पाते, वो काशी में स्थित द्वारिकाधीश के दर्शन कर उतना ही फल प्राप्त करते हैं।